बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। झारखंड येथील सकल जैन समाजाचे श्रद्धास्थान असणारे तीर्थक्षेत्र श्री सम्यश शिखरजी, म्हणजे कोणी याला श्री पारसनाथ तीर्थक्षेत्र किंवा पार्श्वनाथ तीर्थक्षेत्र ही म्हणतात। या तीर्थक्षेत्राला केंद्र सरकारतर्फे इको पर्यटन स्थळ घोषित करण्याचा केंद्र सरकारच्या नुकताच झालेल्या या निर्णयाविरुद्ध आज मालेगावी मोठ्या प्रमाणात सकल जैन समाजातर्फे निषेध मोर्चा काढण्यात आला। तसेच सकल जैन समाजातर्फे आज मालेगावातील सर्व जैन समाजाचे सर्व उद्योगधंदे व्यापार यांनी या निषेधार्थ बंद देखील करण्यात आलेले आहे। या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला पुरुष वर्ग उपस्थित होता। मोर्चेकऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती। सदर मोर्चा अहिंसा सर्कलपासून निघून तर प्रांत कार्यालयापर्यंत पोहोचला। तेथे प्रांत अधिकारी विजयानंद शर्मा यांना यावेळी सकल जैन समाजातर्फे म्हणजे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मालेगाव, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मालेगाव कॅम्प, जैन सेवा संघ मालेगाव, महावीर आराधना संघ मालेगाव, श्वेतांबर गुजराती मूर्तिपूजक संघ मालेगाव, राजस्थान मूर्तिपूजक संघ मालेगाव, दादावाडी बाडमेर ट्रस्ट मालेगाव, दिगंबर जैन संघ मालेगाव, चंद्रप्रभू दिगंबर जैन संघ मालेगाव कॅम्प, तेरापन जैन सभा मालेगाव, काठेवाडी जैन संघ मालेगाव, श्री कच्छी जैन संघ मालेगाव या सर्वांच्या तर्फे आज प्रांतांना विजयानंद शर्मा यांना निवेदन देण्यात आले। आणि त्या निवेदनातर्फे निवेदनामार्फत सदर तीर्थक्षेत्र हे तीर्थक्षेत्रच ठेवावे, त्याचे पावित्र्य भंग होऊ नये व जैन समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांच्या भावना दुखू नये अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली। संपूर्ण आज जगामध्ये जैन समाजातर्फे जैन समाज बांधव त्यांचे आचार्य भगवंत साधू साध्विया या सगळ्यांद्वारे आज तीव्र विरोध या निर्णयाविरुद्ध करण्यात आला व या निर्णयाची कडी आलोचना देखील संपूर्ण जगात होत आहे असं यावेळी जैन समाज संघाचं म्हणणं आहे। बघूया सविस्तर माहिती या व्हिडिओ बातमीद्वारे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू।
माध्यम से यहाँ पर जो हमारा सभी का पावन तीर्थ है सम्मे शिखर जी तीर्थ, सभी जन कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, सम्मे शिखर जी एक बार। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, हमारे 24 जिनेश्वर भगवान, तो में से 20 जिनेश्वर भगवंतों की मोक्ष कल्याणक की जो भूमि है, जिस भूमि पर अनंत मुनिगण मोक्ष प्राप्त हुए और एक पवित्र ऐसी जैन समाज में माने जाने वाली ये भूमि, जैन समाज का एक ऐसा पवित्र तीर्थ। इस तीर्थ के ऊपर दो दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से उसको इको पर्यटक करके घोषित किया गया। जैसे ही ये स्थल पर्यटन की क्षेत्र में आएगा, वहाँ पर आने जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, अभक्ष्य का सेवन होगा, मांस मदिरा का सेवन होगा, वो सब चीज़ें जो चीज़ें हमें मंजूर नहीं है या जैन धर्म के अंतर्गत कहो हमको त्याग्य है, सप्त कुव्यसन के अंदर से वो सब चीज़ें आती है, उन सब चीज़ों का वहाँ पर शुरू हो जाएगा। बीकना बोलो, सेवन करना बोलो, ये सब बातें वहाँ पर शुरू हो जाएगी। हम सभी के लिए वो एक अत्यंत श्रद्धा का स्थान है। हर व्यक्ति ये इच्छा करता है कि जीवन में एक बार तो सम्मे शिखर जी जरूर पहुंचे। कई लोग अपने स्व खर्चे से कई लोगों को हर वर्ष यात्रा निकालकर उस 20 तीर्थंकर जहां पर अपनी साधना आराधना संपूर्ण कर अपने शरीर को छोड़कर मोक्ष की ओर निर्वाण पहुंचे। ऐसे इस पावन भूमि को जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इको पर्यावरण घोषित कर हमारे जैन धर्म की भावनाओं को आहत किया है। जैन धर्म हमारा एक शांतता प्रिय धर्म है। कभी भी किसी भी प्रकार के, हमारा शब्द ही अहिंसा परमो धर्म, हम किसी भी हिंसा पर, चाहे वो शारीरिक रहो मानसिक रहो, हम किसी की भावनाओं के ऊपर आघात नहीं पहुंचाते हैं। सबसे शांतता प्रिय, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला, सभी के इसमें सहभागी होने वाला ऐसा ही हमारा जैन धर्म, जिनकी भावनाओं के ऊपर आज एक गहरा आघात इस प्रकार से हुआ है। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन इस प्रकार का एक शांतता प्रिय आंदोलन कर हमने निषेध के मार से हमारी भावना केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पूरे भारतवर्ष में कई मुनिजनों ने, आप सभी ने देखा है, पूरे भारतवर्ष में सभी जगह इसी समय पर इसी तरह इस प्रकार का निषेध आंदोलन करके हम जा रहे हैं। हमारे कई भाइयों की ये भावना भी थी कि हमको इसका प्रदर्शन करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैन समाज जो होता है वो शांतता प्रिय समाज होता है। वो अपनी भावना शांतता के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने में विश्वास रखता है और इसी के लिए आज हमने बिल्कुल शांति प्रिय मार्ग से, जैसे कि हमारी परंपरा है, उस मार्ग से यहाँ पर आकर सरकार के पास हमारी भावना पहुँचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं विपिन पहाड़े, प्रवक्ता दिगंबर जैन संघ मालेगांव, प्रवक्ता पुलक मंच मालेगांव। जैन धर्मियों का पवित्र स्थान सम्मे शिखर जी, जैन धर्म का आस्था स्थान सम्मे शिखर जी, जैन मुनियों की निर्वाण भूमि सम्मे शिखर जी, जिसके सम्मे शिखर जी के सिर्फ चरण मात्र छूने से पवित्र पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे सम्मे शिखर जी को झारखंड सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वो परिपत्र उन्होंने जारी किया है। पर्यटन स्थल घोषित होने से हमारे जैनियों की आस्था पर बहुत ही बड़ा आघात हुआ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। पवित्र स्थल को पवित्र स्थल ही रहने दो, उसे कोई भी पर्यटन स्थल की उपमा मत दीजिए। हमारे इस पवित्र स्थल को पुण्य के स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही सम्मे शिखर जी को लिए पूरे जैन धर्मियों का आन बान शान की मान्यता दी गई है। ऐसे ही पवित्र स्थल को कोई भी तरह का पर्यटन स्थल घोषित न किया जाए, ऐसे हमारे सभी जैनियों की ओर से यह आवेदन पत्र हम आज प्रांत साहिब को देने आए हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, मैं कविता सुनील काजरीवाल, दिगंबर जैन समाज की सदस्य और पुलक मंच की अध्यक्ष, आज सभी सकल जैन समाज के महिलाओं की तरफ से निवेदन लेके आए हैं कि जो जैन समाज पे संकट आया है, जो इको पर्यटन घोषित किया है सम्मे शिखर, सिद्ध क्षेत्र सम्मे शिखर को, तो हम चाहते हैं कि ये जो इसको बर्खास्त करें, जो सम्मे शिखर है या 20 तीर्थंकर की जन्म मोक्ष भूमि है, यहाँ कोड़ा कोड़ी
मुनि मोक्ष गए हैं, जो हमारा जैन समाज का, सभी सकल जैन समाज का पवित्र स्थान है, जिसे हम एक वंदना करके हम समझते हैं कि हम नरक का बंद नहीं बांध सकते हैं। ऐसे समय शिखर जी को हम चाहते हैं, हम जो सर के पास निवेदन लेके आए हैं कि हमारी यह मांग आप आगे तक पहुंचाएं, ताकि ये संकट हमारे जो जैन समाज पे आया है वो मिट जाए और हमारा निवेदन आगे तक जाए। मैं शशि कुमार पिंटू कर्नावट, ऑल इंडिया श्वेतांबर समाज जैन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे जैन समाज का जो झारखंड में तीर्थ समय शिखर जी तीर्थ है, इसको इको पर्यावरण तीर्थ को इको पर्यावरण घोषित किया है, तो इसके लिए जैन समाज के श्रद्धा के ऊपर गहरा आघात हुआ है। समय शिखर जी हमारे बीस तीर्थंकर भगवान की मोक्ष कल्याणक की भूमि है, इसको जिस प्रकार से इको पर्यावरण तीर्थ पर्यावरण क्षेत्र अगर घोषित करते तो हमारी धार्मिक भावनाओं का आहत होता है, उसका जो धार्मिक पवित्र है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से सकल जैन संघ के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि हमारी भावनाओं को लक्ष्य रखते हुए जो घोषणा आपने की है उसको तुरंत पीछे लेकर उसको पवित्र तीर्थ की घोषणा करें और जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करे। यही सकल जैन संघ मालेगांव की ओर से केंद्र सरकार और सभी की ओर से भावना केंद्र सरकार करते हैं। धन्यवाद। हमारी ये भावना निश्चित ही सरकार तक जाएगी और जो बंदी उस क्षेत्र पर आई है या जिस प्रकार से उन्होंने उसको इको पर्यावरण क्षेत्र घोषित किया है उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र कर वो घोषित करेंगे। ये सभी हमारी जनों की भावना सरकार तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, और जब तक वो रद्द नहीं होगा उस प्रकार से हम इसी प्रकार से शांतता की पद्धति से अलग अलग तरीके के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे गुरु भगवंत हमको मार्गदर्शन करेंगे उस मार्गदर्शन के साथ ही हम चलेंगे। हमारे को जो परंपरा हमारी चल रही है वो शांतता की परंपरा रहेगी, हमारे को किसी भी प्रकार के दिखावे की वगैरह कोई जरूरत नहीं। हमारी भावना प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का क्रम जारी रखेंगे। धन्यवाद। अब जो समाज के प्रमुख निवेदन देता आहात ते माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत शासनापर्यंत पोहोचवू। धन्यवाद। आम्हा सगळे लोक येत नाही हो इतर देखो कॅमेरे मारू साहेब थोडं मागे पिच्चे सरकत थोडा सब आने को हो अपने हाथ नहीं लगाना, खाली खड़े रहो, खाली खाली खड़े रहो, थोड़ा इधर पीछे इधर 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 सकल जैन संघ एक मिनट निवेदन सकल जैन संघ मालेगांव की ओर से यहाँ दिया जाएगा। जिनको निवेदन देना है वो बाद में मंत्र मंगल जो है वो ऊपर जाके देखिए, इनकी परंपरा है निवेदन देने के लिए वो बाहर आते नहीं है, लेकिन जैन समाज का ये सम्मान है कि आज हमारे अधिकारी वर्ग के लिए बाहर आए हैं, उस सम्मान को बरकरार रखे, उस सम्मान को सभी जन बरकरार रखे, ऐसी मैं विनती करूंगा।